स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और अभी अभी कुछ ही देर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के केवल थर्ड ईयर के जो है टाइम टेबल जारी किए हैं। और बीए सेकेंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पीजी के टाइम टेबल बाद में आएंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के स्टूडेंटों के लिए भी खबर है कि उनके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। एडमिट कार्ड को निकालने के लिए आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना होगा, वहाँ आपको लिंक दिया हो, वहाँ से आप आसानी से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एडमिट कार्ड बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूँ, प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि जो है वो कितने घंटे की रखी गई है, 1.5 घंटे की रखी गई है। साथ ही साथ जो है प्रश्न पत्र 3 खंडों में मुद्रित होगा, यानी कि पहला जो है वो अति लघु उत्तरात्मक, दूसरा लघु उत्तरात्मक, तीसरा निबंधात्मक, इस तरीके से 3 खंडों में। और किसी भी प्रश्न को कहीं से भी कर सकते, कोई किसी प्रकार की बाध्यता आपको नहीं रहेगी। और इसी के साथ जो है आपको 50% हल करना है, इस बात को आप मुख्यतः ध्यान में रखना, 50% ही हल करना है। यानी कि आप मान लीजिए 100 नंबर का प्रश्न है तो 50 नंबर का कीजिए, 80 का तो है 40 का, 70 का है तो 35 का, 75 का तो है 38 नंबर का आपको मैटर करना है। अगर आपने जो है इससे ज़्यादा का किया तो ज़्यादा नंबर जो 38 के बाद होते हैं या 50 के बाद होते हैं वो आपके चेक नहीं होंगे, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए जो भी करें दायरे में रह कर करें और अच्छा करें। पानी की बोतल, सैनिटाइज़र, मास्क पहनना अनिवार्य है। और एडिशनल विद्यार्थी जो पिछली परीक्षा भी दे रहे हैं साथ में, तो उनके प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट परीक्षा जो है वो ड्राइंग वाले स्टूडेंटों की है। ड्राइंग वाले अगर कोई है तो उनका मंडे 30 मई को पेपर है। आपकी परीक्षा जो है 25 मई से शुरू हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए आप, 25 मई से शुरू हो रही है। राजस्थानी साइकोलॉजी की परीक्षा है 25 तारीख को, लेकिन मुख्य जो इम्पोर्टेंट परीक्षा है वो ड्राइंग और पेंटिंग की है 30 मई को। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों की जो है परीक्षा होगी वो वेडनेसडे को होगी, यानी कि 8 जून को। और फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट परीक्षा है देखिए ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट, और फिलोसॉफी दर्शनशास्त्र भी इसके साथ होगा, और नॉन कॉलेज इन दोनों की परीक्षा भी जो है 9 जून को होगी। तो 9 जून को आप ध्यान रखना, आपकी परीक्षा होगी ज्योग्राफी की, ठीक है। आपकी पारी जो रखी गई है वो 9 बजे से 10:30 बजे, आपके टाइम टेबल में और साथ ज़्यादा आ जाएगा। A to M का मतलब है ऐसे M के रोल नंबर, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ऐसे M रोल नंबर जो नॉन कॉलेज वाले हैं वो 12 से 1:30 बजे तक देंगे, और जो 3 से 4:30 बजे तक देंगे वो NZ वाले रोल नंबर है, इस बात का आप ध्यान रखना अगर ये समझ में नहीं आए तो। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा पेपर जो है वो है, फिर उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दोनों पेपर एक ही दिन नहीं देने, तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि दोनों पेपर आपको एक ही दिन नहीं देने, ये तो बहुत अच्छी बात है जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। यानी कि पहले क्या होता था कि दोनों पेपर एक ही दिन देने होते थे तो बच्चे जो है मुश्किल में आ जाते थे कि भाई कौन सा पेपर जो है अच्छे तरीके से याद करें। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात की गई है यहाँ पे कि दोनों पेपर आपको अलग अलग डेट में देने होंगे। जैसे ज्योग्राफी का पहला पेपर आपको 9 जून को देना होगा, तो उसके बाद जो ज्योग्राफी का दूसरा पेपर है आपको वो देना होगा, देखिए यहाँ पर 14 जून को, 14 जून को जो है आपका दूसरा पेपर होगा। ये बहुत अच्छी बात है, पेपर नंबर सेकंड है ये एक्स और रेगुलर सब दोनों वालों के लिए, नॉन कॉलेज और रेगुलर वालों के लिए। फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देखिए, ये हिंदी लिटरेचर की है 11 जून को। इस तरीके से आप पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं, सोशोलॉजी और हिंदी लिटरेचर है, फिर उसके बाद संस्कृत है 21 जून को। इस तरीके से आप पूरा टाइम टेबल जो है देख सकते हैं, और इस टाइम टेबल को देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए किसी भी प्रकार की पीडीएफ आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के लिए, भूगोल से संबंधित कोई सा भी पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से। आप सभी का वहाँ पर स्वागत है, आ सकते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।